पिछले वीडियोस में हमने देखा कि टू नेशन थ्योरी क्यों और कैसे बनी। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को बनाकर आखिर किसको राजपाट चाहिए था, इस थ्योरी से किसका भला होने वाला था। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अलग अलग जगहों के गुलामी के इतिहासों की लंबाइयां भी अलग अलग हैं, मगर कृष्णा नदी के दक्षिण को छोड़कर बचे हुए भारत ने कम से कम 550 साल की गुलामी झेली है। अगर हम एक पीढ़ी के 25 साल भी मान लेते हैं तो 550 साल मतलब 22 पीढ़ियां गुलाम रही। ये 550 साल की गुलामी का इतिहास यूपी, बिहार और बंगाल की बात करते हुए और 200 साल लंबा हो जाता है, मतलब 8 पीढ़ियां और कुल मिलाकर 30 पीढ़ियां। मुल्तान को छोड़कर पंजाब और काबुल के लिए गुलामी के 200 साल मतलब 8 पीढ़ियां और जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर 38 पीढ़ियां। बीच में 2 पीढ़ियों के लिए सिख साम्राज्य आया था बस। सिंध और मुल्तान के और 300 साल मतलब 12 पीढ़ियां जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर 50 पीढ़ियां। अब सोचिए, केवल एक पीढ़ी में अपनी संस्कृति को बचाए रखने में हमारे छक्के छूट जाते हैं। एक ही पीढ़ी में हम लोग बदलते वक्त के सामने घुटने टेक देते हैं और जनरेशन गैप का रोना रोते हैं। सोचिए जरा कि सिंध और मुल्तान के हिंदुओं ने 50 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखा होगा। हम 4 पीढ़ी की अंग्रेजों की गुलामी में ऊपर से नीचे तक हिल गए, हमारा सांचा और ढांचा हिल गया, अंग्रेजी से पीछा नहीं छोड़ा पा रहे हैं। ये जो 50, 30 और 20 पीढ़ियों की गुलामी की हम बात कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस स्तर की गुलामी हमारे दिमागों में भर गई होगी। पैदा होकर जमीन पर पैर रखते ही पहला ख्याल आता है नौकरी का। किसकी नौकरी, क्यों, काहे के लिए, क्या अंजाम होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह गुलामी का ही असर है। राज करना किसे कहते हैं, राजा बनने की हिम्मत और राजपाट चलाने की कला हिंदुओं को भूले हुए कम से कम 30 पीढ़ियां बीत चुकी थी। उसके उलट अगर उस जमाने में कोई मुसलमान बनता था तो मुसलमान बनते ही वो सुल्तान और सल्तनत का कृपा पात्र बन जाता था, उनका लाडला बन जाता था। इस तरह से एक मुसलमान किसी न किसी बहाने सुल्तान और उसके शासन का हिस्सा हो जाता था। हिंदुओं को घृणा की दृष्टि से इसलिए देखा जाता था क्योंकि उनका राज खत्म हो चुका था। वो हुकूमत नहीं करते थे, हुक्म मानते थे, कानून बनाते नहीं थे, कानून का पालन करते थे। लेकिन काल का पहिया तो घूमता ही है कभी न कभी। औरंगजेब भारत में मुसलमान राज्य का आखिरी अध्याय था। 1707 में उसकी मौत हो गई और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य की धज्जियां भी उड़ गईं और हिंदू राजा फिर से उभरने शुरू हो गए। फिर मराठों ने लगभग पूरे भारत में मुगलों को पटक दिया, लेकिन पानीपत की 3री लड़ाई में हारने से, कमजोर पड़ने की वजह से, उनके हाथ से भारत चला गया और अंग्रेजों के हाथ में आ गया। पंजाब में सिखों ने साम्राज्य बनाया। मुल्तान 1100 साल बाद सुल्तानों से आजाद हो पाया था, पेशावर 800 साल बाद। इसके बाद इन जगहों पर सीधा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब देखिए कि इस 1000 साल के गुलामी के इतिहास में कैसे राजपाट चलाया जाता था। सुल्तान राज कर रहा है, लेकिन उसको राज करने में कौन मदद करता था? सुल्तान के लिए वफादार सिपाही, जासूस कौन बना रहा है? उसके लिए जिम्मेदार नागरिक मतलब सुल्तान से बगावत न करने वाले नागरिक कौन बना रहा है? ये सारे काम एक ही आदमी करता था। यहां अभी के लिए उसको मैं नाम दे रहा हूं मिस्टर एक्स। आज की स्थिति में देखिएगा, मिस्टर एक्स स्कूल के टीचर हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, आप न्यायाधीश यानी जज भी हैं, आप हमारी किसी भी समस्या का हल भी कर देते हैं, मतलब आप सलाहकार भी हैं, आप धर्म की शिक्षा भी देते हैं, आप पुजारी भी हैं, पुरोहित भी हैं, आप बुजुर्ग हैं और बहुत अनुभवी भी हैं। आपके एक इशारे पर दंगे भड़क सकते हैं और दंगे बंद भी हो सकते हैं। अब समझ लीजिए कि मिस्टर एक्स कितने ताकतवर हैं, खास करके जब उनके ऊपर सुल्तान का हाथ हो। अब मिस्टर एक्स कौन लोग होते हैं ये आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप पता लगाइए खुद, कम से कम इतनी मेहनत तो कीजिए। तो आज जब वन नेशन वन लॉ की बात होती है तो इसकी गाज सीधे इन्हीं मिस्टर एक्स जैसे लोगों पर गिरने वाली है। ये आज हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं
और महसूस कर भी रहे हैं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के बिखरते ही मिस्टर एक्स जैसे लोग अनाथ हो गए थे। ऊपर से वो हिंदू जिनको मिस्टर एक्स अपना नौकर समझते थे, अपना गुलाम समझते थे, वो अब राजनीति में ताकतवर होते चले जा रहे थे। तो मिस्टर एक्स ने अपने प्रभाव का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी भड़काने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आम मुसलमान जनता में एक असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो साधारण मुस्लिम आदमी को डरा दिया और भड़का दिया। ये लगभग 100 साल तक चलता रहा, जब तक हिंदुओं के राज का खतरा बना रहा। उसके बाद अंग्रेज आ गए तो अब हिंदू राज नहीं आएगा। लेकिन मिस्टर एक्स के लिए दूसरा राज उससे भी ज्यादा भयानक था। ये था जनता का राज, वन नेशन वन लॉ। जी हां, आज जो वन नेशन वन लॉ का खतरा मुसलमान समाज को बताया जा रहा है, आज से लगभग 100 साल पहले यही खतरा मुसलमान समुदाय को तब भी बताया गया था, क्योंकि तब वाकई ऐसी स्थिति बन गई थी कि वन नेशन वन लॉ आ जाता, सारे नागरिकों को बराबरी के अधिकार मिल जाते। फिर बेचारे मिस्टर एक्स को कौन पूछता, क्योंकि ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये साधारण मुसलमानों के अनपढ़ और गरीब होने का ही फायदा उठाते चले आ रहे थे। लोगों के समझदार होते ही मिस्टर एक्स की पोल खुल जाती और उनकी स्थिति डावाडोल हो जाती। अब मिस्टर एक्स के पास तीन ही रास्ते रह गए थे, या तो राज छोड़ दें, या राज हथिया लें, या अलग होकर अपना खुद का दूसरा देश बना लें। मिस्टर एक्स राज छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें राज करने की आदत पड़ चुकी थी, लत लग चुकी थी। राज हथियाना मुश्किल था, क्योंकि जनता जाग रही थी। अगर देश को जुड़े रहने देते तो वन नेशन वन लॉ झेलना पड़ता, और पोल खुलते ही सारा रुतबा खत्म हो जाता। तो तीसरा रास्ता, आखिरी रास्ता बच गया था। एक ताकत के भूखे नेता के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने से बेहतर होता है किसी देश का प्रधानमंत्री बनना। तो क्यों ना पाकिस्तान ही बनाया जाए। ये सोचकर मिस्टर एक्स ने अपने रसूख का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये मिस्टर एक्स का सौभाग्य था कि उन पर मुसलमान जनता अंधा विश्वास करती थी। जनता कम पढ़ी लिखी थी, गरीब थी, लेकिन उसमें राज करने की इच्छा तो थी, इसलिए अपने लिए राज छीनने की ताकत भी थी। सामने थे एक 30-40-50 पीढ़ियों से नौकर बने, गुलाम बने हिंदू, जो राजा बनने का सपना तक भूल चुके थे, लड़ने की ताकत और राज करने की इच्छा खो चुके थे। तो राज छीनने के इरादे से मैदान में उतरे भड़काए गए लोगों के सामने राज करने की इच्छा खो चुके हिंदू भला क्या टिक पाते। ऊपर से रिमोट कंट्रोल मिस्टर एक्स के हाथ में, तो मिस्टर एक्स ने शुरू कर दिया पाकिस्तान का जाल बुनना। ये मिस्टर एक्स कौन है आप ढूंढिए और कमेंट कीजिए। कल अगले वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिस्ट्री गुरु, और ये ईमेल आईडी भी लिख लीजिए। धन्यवाद।